देखिए, ये लोकतंत्र की एक निशानी है कि हर एक नागरिक को, जो वोटर है, उसको अपनी वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी सभी लोकसभा हलका संगरूर के जितने भी वोटर हैं, उन सभी से अपील है कि अपने मत का प्रयोग किए, अपने वोट का प्रयोग किए और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। थोड़ा समय पहले पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की, अकाली दल बीजेपी की जमानत जब्त करवाई है और इस बार फिर जमानत जब्त करवाएंगे और गरमेल सिंह ग्राचो जो हैं वो हैट्रिक बनाएंगे, एक सरपंच से लेके देश की संसद में पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा उल्टफेर है और आम लोगों के घरों, जो आम लोगों के घरों के लोग हैं, बच्चे हैं, वो देश की संसद में जा रहे हैं, स्टेट की असेंबली में जा रहे हैं। इससे पहले राजे रजवाड़े जाते थे और स्टेट को बर्बाद करते थे। आज पंजाब को इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो, इन्होंने पंजाब को बर्बाद किया और अब पंजाब के लोग इनकी जमानत जब्त करवाएंगे। धान का तो वोटिंग, बिल्कुल सीजन भी है, धान का सीजन भी है और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, पर लेकिन फिर भी लोग पंजाब के लिए, पंजाब के लोग के एक मजबूत लोकतंत्र के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। राजा बड़े के बयान को किस तरह देखते हैं? मौके पर बयान आता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी को घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला जी सबके, पंजाब के लोगों के सरकार सत्कारित थे, उनका बहुत ज़्यादा पंजाब के लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा कदर थी। उनके, उनकी मौत का बदला, उनके कत्ल का बदला पंजाब सरकार लेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और कानून अपना काम करेगा और सख्त से सख्त सजा जो है उनके हथियारों को दी जाएगी। भाजपा कह रही है कि उनके हथियारों को दिल्ली पुलिस पकड़ रही है, दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर है, तो पंजाब सरकार अपनी, देखिए पंजाब सरकार यहाँ का जो है कानून है, यहाँ की कानून की मशीनरी है, वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। पूरे जहाँ भी हथियारे मिलते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, जबकि जहाँ भी है, हमारी पुलिस जा रही है, उनको पकड़ के जेल में डालेंगे।